प्यारे बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने हिंदी काव्य के प्रथम कवि सूरदास के जीवन परिचय एवं उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग इस कक्षा के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम में दिए गए जो उनके पद हैं, उन पदों में से दो पद की व्याख्या पढ़कर समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पद पर ध्यान देंगे। प्रथम पद में सूरदास जी ने भगवान श्री हरि के कमलवत चरणों की वंदना की है और साथ ही साथ उन चरणों की जो अद्भुत महानता है उसके संबंध में भी हमको बताया। तो आप लोग इस पद पर ध्यान दीजिए, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरौ सुने गूंग कुन बोले, रंक चले शिव छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिलपाई। यह पूरा पद है जिसका उच्चारण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ पर ध्यान दीजिए। राय माने राजा, राजा को कहते हैं। पंगु लंगड़े व्यक्ति को कहते हैं। गिरि माने पर्वत, लंघय माने लांग जाना। बहिरव जिसके पास श्रवण की सुनने की शक्ति नहीं होती है, जिसके पास श्रवण शक्ति नहीं होती है। रंक माने अत्यंत गरीब दीन। छत्र कहते हैं छत्र को, जिसको कि राजा अपने ऊपर अपने मस्तक पर धारण करके, राजा जब भी चलता था तो उसके पीछे लोग छत्र लगाकर चलते थे। तो कठिन शब्दों के अर्थ आपको बता दिए गए। अब आप लोग पूरी व्याख्या पर ध्यान दीजिए, एक एक पंक्ति पर। चरण कमल बंदौ हरिराय, प्रथम पंक्ति में ही रूपक अलंकार है। भगवान श्री हरि के, क्या कह रहे हैं सूरदास जी? कहते हैं कि भगवान श्री हरि के कमलवत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, उन कमलवत चरणों को बार बार नमन करता हूँ, उन कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघय, क्या विशेषता है भगवान के कमल चरणों की? आगे उसका वर्णन बड़े ही सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि जिस कमलवत चरण की कृपा से या जिन चरणों की कृपा दृष्टि हो जाने के पश्चात, जिन चरणों की कृपा प्राप्त हो जाने के पश्चात पंगु गिर लंघय, पंग माने लंगड़ा, लंगड़ा व्यक्ति, गिरि माने पर्वत, लंघय माने लांग सकता है, जिन कमलवत चरणों की कृपा प्राप्त हो जाने के उपरांत लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग सकता है, लंगड़ा व्यक्ति जो चलने में असमर्थ होता है, वह भी अगर श्रीहरि के चरणों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो वो पर्वत को लांगने की क्षमता से युक्त हो जाता है, पर्वत को भी लांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और नेत्रहीन जो अंधा है, जो नेत्रहीन है, जिसके पास देखने की क्षमता नहीं है, ऐसे नेत्र से हीन अंधे को उन कमलवत चरणों की कृपा जब प्राप्त हो जाती है, उन कमलवत चरणों की कृपा प्राप्त हो जाने पर सब कुछ दिखाई देने लगता है, अर्थात तो उसको देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, ठीक इसी प्रकार से बहरा व्यक्ति जिसके पास श्रवण शक्ति नहीं है, जिसके पास सुनने की क्षमता नहीं है, ऐसा व्यक्ति सुनने लगता है, उसके पास सुनने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति जिसके पास वाणी की शक्ति नहीं है, जो वाणी की क्षमता से हीन है, वह बोलने लगता है, फिर से उसको बोलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। रंक चले सिर छत्र धराई, इतना ही नहीं भगवान श्रीहरि के
कमलवत चरणों की कृपा पर प्राप्त हो जाने के पश्चात जो रंग होता है अत्यंत दीन दीन गरीब होता है, वह भी किसी राजा महाराजा के समान अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। तो सूरदास स्वामी करुणामय, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि वह जो हमारे स्वामी है करुणा का भंडार है, करुणा से युक्त है, अपार करुणा से भरे हुए हैं, बार बार बंदों दिखाई, ऐसे करुणामय स्वामी के कमलवत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। इस प्रकार से इस प्रथम पद में सूरदास जी ने भगवान के कमल के समान कोमल चरणों की वंदना बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की है। इस पद के उपरांत आप लोग पद संख्या दो पर ध्यान दीजिए। पद संख्या दो में सूरदास जी ने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए यह बताया है कि क्या कारण है कि उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म के संबंध में अपनी लेखनी नहीं चलाई है, बल्कि सगुण की लीला का गान किया है। निर्गुण की लीला का गान करने में, निर्गुण ब्रह्म के संबंध में कुछ लिखने में उनको क्या कठिनाई महसूस हुई है, उन्होंने कौन सी कठिनाइयां अनुभव की है, किन कठिनाइयों का अनुभव उनको हुआ है, उसको इन्होंने अपने इस पद में प्रस्तुत किया। कहते हैं अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी कौ अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगुति गुण निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचार हिताते सूर सगुण पद गावे। तो पूरे पद का उच्चारण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ पर ध्यान दीजिए। अविगत यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए अविगत शब्द का प्रयोग किया गया। अंतर्गत यानी अंदर ही अंदर, अमित माने अपार, तोष माने संतुष्टि, अगम माने जिसके पास तक पहुंचा ना जा सके या जिसके पास पहुंचना अति कठिन हो, अगोचर जो दिखाई न देता, गोचर इंद्रियों के माध्यम से जिसको समझा, गो माने इंद्रिय, जिसको इंद्रियों के माध्यम से जाना और समझा न जा सके। तो पद की व्याख्या पर आप लोग ध्यान दीजिए। अविगत गति कछु कहत न आवे, सूरदास जी कह रहे हैं कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के संबंध में मुझसे कुछ कहते नहीं बनता, मैं उसके संबंध में कुछ कह नहीं पाता हूं। क्या कारण है, क्यों निर्गुण निराकार ब्रह्म के संबंध में नहीं कह पाते हैं? क्योंकि ज्यों गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावे, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म को वही जान सकता है जो उसको प्राप्त कर ले। उसके संबंध में कुछ भी बता सकना उसी प्रकार से कठिन है, उतना ही उसी प्रकार से असंभव है जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल खाने के लिए दे दिया जाए तो वो उस मीठे फल को खा करके उसका रसास्वादन करेगा, उसके रस को प्राप्त करेगा, लेकिन उस मिठास को वो अंदर ही अंदर महसूस करता है। क्योंकि इसके पास बोलने की शक्ति नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह उस फल की मिठास के संबंध में किसी को बता नहीं सकता है। तो वही बात कह रहे हैं कि यह जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है यह गूंगे के मीठे फल के आस्वादन की भांति है, जो उस मीठे फल के रस को अंदर ही अंदर महसूस करता है, उसके आनंद को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता, बता नहीं पाता, व्यक्त करना संभव नहीं हो पाता। उसी प्रकार से निर्गुण और निराकार ब्रह्म के संबंध में कुछ कहते नहीं बनता। परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, यद्यपि वह गूंगा व्यक्ति उस मीठे फल के स्वाद को
लगातार प्राप्त करता है, उसके आनंद को प्राप्त करता है, और आनंद को प्राप्त करने के साथ ही साथ उससे उसको अपार संतुष्टि भी प्राप्त होती है। अमित तोष उपजावे, यानी उसके भीतर, उसके हृदय के भीतर अपार आनंद की अनुभूति होती है, अपार संतुष्टि उसको प्राप्त होती है, उस मीठे फल के रस को अंदर ही अंदर प्राप्त करने के बाद, उसका रसास्वादन करने के पश्चात, लेकिन फिर भी वो भीतर ही भीतर उस आनंद को महसूस कर सकता है, उसको व्यक्त करना उसके लिए संभव नहीं है। तो मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। इसी प्रकार से मन और वाणी की शक्ति से परे सब प्रकार से अगम्य तथा किसी भी प्रकार की इंद्रियों से समझ में ना आने वाले, किसी भी प्रकार की इंद्रियों के द्वारा समझ ना पाने वाले उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को वही जान सकता है जो कि उसको प्राप्त करे, क्योंकि वह मन की शक्ति से भी परे है, वाणी की शक्ति से भी परे है, उस तक पहुंचना बड़ा कठिन है, अगम्य है वह। ठीक इसी प्रकार से गोचर यानी इंद्रियों के द्वारा जितनी भी, गो माने इंद्रिय होता है, तो जितनी भी इंद्रियां आपकी हैं, जैसे आंख कान नाक मुंह, आंख कान नाक त्वचा आदि जितनी भी आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भी उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह इंद्रियातीत है। तो ऐसी स्थिति में उसको मात्र वही जान सकता है जो कि उसको प्राप्त कर ले। रूप रेख गुण जाति जिगुति गुण निरालंब की धर। तो सामान्य ढंग से लौकिक संसार में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को पहचानने के जितने भी साधन हैं, एक तो हमें देखते हैं किसी की पहचान के लिए, किसी को जानने के लिए भाई उसका रूप रंग कैसा है, रेख यानी उसकी आकृति कैसी है, गुण यानी उसके भीतर कौन कौन सा गुण है, जाति यानी उसकी जाति क्या है, किस समुदाय का है। तो ये जितने भी पहचानने के साधन है संसार में, जिनके माध्यम से हम किसी को जानते हैं, किसी को पहचानने की जितनी भी युक्तियां हैं, जितने भी उपाय हैं, चूंकि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म उन सारे उपायों से परे है, उन उपायों से उसको जाना नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में उसको प्राप्त करने के लिए कहां दौड़ लगाई जाए। तो सब विधि अगम विचारण ताते सूर सगुण पद गाने। इस प्रकार से सूरदास जी कह रहे हैं कि सब प्रकार से अगम्य मानकर, अगम्य जानकर सूरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के संबंध में कुछ कहना नहीं चाहते, बल्कि सगुण की लीला का गान करने जा रहे हैं, क्योंकि इस निर्गुण निराकार ब्रह्म को वही जान सकता है जो उसको प्राप्त कर ले। वह गूंगे के फल के मिठास की भांति है, जो उस मीठे फल को खा करके उसके रस को भीतर ही भीतर महसूस करता है, लेकिन किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता, उसके स्वाद को बता नहीं सकता। तो ठीक उसी प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म के आनंद को भी वही समझ सकता है जो उसको प्राप्त कर ले, वही उसके संबंध में जान सकता है जो उसको प्राप्त कर ले। ऐसी स्थिति में सब प्रकार से अगम्य मानकर सूरदास जी सगुण की लीला का गान करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सूरदास जी के दो पदों की व्याख्या हमने आज की इस कक्षा के माध्यम से पढ़ी और समझी है। आप लोग ध्यान से व्याख्या पढ़ लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या आपकी बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए भी लिखित प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। और पढ़ने के बाद प्रथम पद चरण कमल बंदो हरियाई, इसकी व्याख्या आप लोग लिखकर अवश्य दिखाइएगा।